नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अभी सुबह का टाइम है और सुबह सुबह ये चिड़िया आजकल देखिए बहुत ही सुंदर आवाज़ निकालती हैं, सुबह सुबह बालकनी में आ जाती हैं। तो आज मैं आपको सारे प्लांट्स दिखाऊंगी जिन पर फूल खिले हुए हैं। विंटर का टाइम है, बहुत ही सुंदर सुंदर विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए हुए हैं मैंने और बढ़िया फूल उन पर आ रहे हैं। तो उन सभी का अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दे रही हूँ कि कौन कौन से पौधों पर फूल खिले हुए हैं। तो अपनी छोटी सी जगह है, इसी में मैं पौधे लगाती हूँ। और अभी जैसे कि सर्दियों का टाइम है तो बहुत सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स इसमें मैंने बास्केट्स में लगाए हुए हैं ताकि कम जगह में ये पौधे लग जाते हैं और सुंदर लगते हैं। जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको हम बास्केट्स में बहुत आराम से लगा सकते हैं, जैसे कि पिटूनिया है, डायंथस है, और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो आराम से बास्केट में चल जाते हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ डायंथस, पिटूनिया इस तरह की बास्केट लगाई हुई हैं और ज़्यादातर दो दो प्लांट लगा रखे हैं ताकि एक ही साथ दो प्लांट अच्छे लगते हैं, अलग अलग रंगों के हम लगा सकते हैं। अभी ये इन पर फूल आने लग गए हैं और ये सेट भी हो गए हैं। एक बार लगाने के बाद पौधे सेट हो जाएँ फिर उसके बाद आराम से चलते रहते हैं। तो ये देखिए डायंथस के साथ यहाँ पर मैंने ये पिटूनिया लगा रखे हैं। तो ये कम जगह में आराम से चल जाते हैं। जितना हो सकता है मैं एक साथ दो तीन पौधे लगाने की कोशिश करती हूँ, किसी किसी में एक भी लगा रखा है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट मैं करती रहती हूँ कि दो एक साथ कैसे चलते हैं, तीन कैसे चलते हैं, और मैं एक भी लगा लेती हूँ। ये मेरे कोलियस की वैरायटी है सारी, तो बहुत ही सुंदर कोलियस इस टाइम चल रहे हैं सारे और बहुत ही घने भी हो रहे हैं। और ये मेरे गुलाब के प्लांट हैं, दो तीन गुलाब के पौधे हैं बालकनी में और सभी पर अच्छे फूल आ रहे हैं। गुलाब का तो बहुत ही बढ़िया टाइम है, ये सर्दियों में सबसे अच्छे फूल आते हैं। तो गुलाब के पौधे आप खूब सारे लगा सकते हैं गार्डन में। गुलाब अगर आप लगा रहे हैं तो 4 घंटे 5 घंटे कम से कम धूप चाहिए। अगर 4-5 घंटे धूप आती है तो इन पर फूल आ जाते हैं, और अगर पूरे दिन आए तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है। ये कुछ गुलदावदी के प्लांट हैं जो ये सफ़ेद और ये दोनों एक साथ लगाए हुए हैं। मैंने एक साथ बहुत पौधे लगा रखे हैं और जब एक साथ गुलदावदी के पौधे लगाएं तो थोड़ा बड़ा गमला ले रखा है मैंने, क्योंकि गुलदावदी का जो प्लांट है वो थोड़ा ज़्यादा जड़ लेता है, तो इसलिए इसको 12 इंच के गमले में दो पौधे लगाए हैं। तो सदाबहार पर भी अच्छे फूल आ रहे हैं और ये जरबेरा के प्लांट हैं। जरबेरा के मैंने कई प्लांट लगा रखे हैं, मैं आपको दिखाती रहती हूँ। जरबेरा सबसे अच्छे फूल देता है और लगभग पूरी साल ही फूल देता रहता है, और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा फूल हम इससे ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट है जरबेरा के, कई रंगों में आते हैं। और ये देखिए पीला वाला गुलाब है, इस पर फूल भी आया हुआ है, काफ़ी सारी कलियाँ भी आ रही हैं। तो सर्दियों में जितना हो सके मैं पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने को कोशिश करती हूँ कि लगा पाऊँ, क्योंकि जगह की कमी है। लेकिन मन करता है कि ज़्यादा रंगों के, ज़्यादा सारे वैरायटीज़ पौधों के हम लगाएं। ये देखिए जेरेनियम के कितने सुंदर प्लांट हैं, और पिटूनिया ज़्यादातर मैंने एक एक दो दो इस तरह से लगा रखे हैं। गुड़हल पर भी बहुत अच्छे फूल अभी आ रहे हैं, क्योंकि गुड़हल की जो कई वैरायटीज़ आती हैं वो आजकल जो आ रही हैं उन पर सर्दियों में भी बहुत अच्छे फूल आते हैं। तो ये वाली जो वैरायटी है गुड़हल की वो आप सर्दियों में भी ले सकते हैं। देसी वाली जो वैरायटी होती है उस पर सर्दियों में फूल नहीं आते हैं, कम आते हैं, लेकिन आजकल जो कई वैरायटीज़ ऐसी आती हैं जिन पर ठंड में बहुत अच्छे फूल आते हैं। तो मेरे बालकनी में गुड़हल के ऐसे कई प्लांट हैं जिन पर ठंड में, अभी ठंडे मौसम में अच्छे फूल आ रहे हैं। ये देखिए सफ़ेद गुलदावदी का प्लांट है, और इसी के साथ ही मैंने येलो वाला भी लगाया हुआ है, और ये 12 इंच का गमला है, इसमें मैंने दोनों पौधे लगा रखे हैं। आराम से मिलके ये अच्छे से चलेंगे। ये देखिए ये रेड वाला जरबेरा का प्लांट है। तो जरबेरा पर बहुत अच्छे फूल, मेरी बालकनी में सबसे ज़्यादा फूल जरबेरा पर आते हैं। और ये रेड हमारा जेरेनियम और ये कुछ टेरोनिया के प्लांट हैं। तो ये सभी मैंने, धूप आती है तो जैसे जैसे धूप इधर आती जाती है मैं इधर उधर इनको सरकाती रहती हूँ। और ये हमारी बोगनविला है, इस पर भी अभी इस टाइम अच्छे फूल आ रहे हैं। और ये देखिए ये बेगम बहार, इस पर भी इस टाइम अच्छे फूल आ रहे हैं। देखिए ये जीनिया के प्लांट हैं, ये भी मैंने दो तीन पौधे एक साथ लगा रखे हैं। तो ये सारे फूल आज बालकनी में खिले हुए हैं, सारे जितने भी सर्दियों के पौधे हैं उन पर अच्छे फूल आ रहे हैं।
तो ये मेरा बालकनी गार्डन, आज के खिले हुए फूल। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय, जय सिया राम।